पोटैटो चीज़ सैंडविच तो आपने बहुत खाया होगा, पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं खाया होगा। एकदम क्रिस्पी और चीजी सैंडविच, बड़े तो बड़े बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है। जब भी सैंडविच बनाने जाती हूँ, मेरा बेटा इस सैंडविच की डिमांड करता है और बहुत ही उसे पसंद है ये सैंडविच। बहुत ही आसानी से कम समय में बन जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं रेसिपी। मैं नीता आप सभी का स्वागत करती हूँ नीता इन द किचन में। सैंडविच की रेसिपी बनाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो सैंडविच बनाने के लिए मैंने लिया है 4 ब्रेड की स्लाइस, 2 चीज स्लाइस, 3 उबले हुए आलू, इसे ग्रेट कर लेंगे। ये मोटे वाले जो होते हैं ना उससे उस साइड से हम ग्रेट करेंगे। ग्रेट कर लेने से क्या होता है ना कि आलू बहुत ही फाइन हो जाता है, मैश करने से उतना अच्छा टेक्सचर नहीं आता, लेकिन ग्रेट करने से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है और कोई भी उसमें गुठलियाँ लम्स वगैरह नहीं होते। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन यानी कैरम सीड्स, इसे हाथ से क्रश करके इसे हल्का तब डालेंगे जिससे अच्छा फ्लेवर आता है। 1/2 टीस्पून चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, क्योंकि चाट मसाला में भी नमक है इसलिए ध्यान से नमक डालें। 1/4 टीस्पून काला नमक, 1 चॉप्ड हरी मिर्च, 1/4 टीस्पून ऑरेगानो। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। आप इस सैंडविच को और तीखा बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर या चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको हम ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए इतना थोड़ा सा थिक हम स्प्रेड करेंगे और इसके ऊपर एक चीज स्लाइस डालकर दूसरे ब्रेड से कवर कर देंगे। अब पैन या तवे को गर्म करके उसके ऊपर 1 टीस्पून घी या बटर डालकर फैला लेंगे। मैं घी से कर रही हूँ, आप बटर भी डाल सकते हैं इसकी जगह। फिर सैंडविच को रखकर मीडियम फ्लेम पर इसे पलट पलट कर सेक लेंगे। हल्का हल्का घी लगा रही हूँ, बटर या घी कुछ भी आप इसके ऊपर हल्का सा स्प्रेड कर दें ताकि और भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और अच्छे से सिक जाए। ये देखिए एकदम करारे करारे सैंडविच रेडी है, बहुत जल्दी फटाफट बन के तैयार हो गया है ना ये नाश्ता। इसे गर्मा गर्म नाश्ते में लीजिए या बच्चे को लंच बॉक्स में दीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। सभी पूरा का पूरा चट करके बच्चे आएंगे, लंच पूरा फिनिश कर लेंगे। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ एक और नए रेसिपी के साथ।